हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हेड सैलरी जो है उसमें अदर पार्क्स। पहले जो पार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसका पार्ट टू आज डिस्कशन करने वाले हैं। अदर पार्क्स में हमारा क्या रहने वाला है, जैसे कि मोटर पार्क्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया है, जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सुविधाएँ दी जाती हैं, उनको हम पार्क्स बोलते हैं। कुछ पार्क्स टैक्सेबल रहने वाले हैं, एग्जम्प्टेड भी रहेंगे, कुछ में कंडीशंस भी एप्लीकेबल होगी कि किस लिमिट तक वो एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं। और हमने वैल्यूएशन ऑफ पार्क्स भी निकाला था कि पार्क्स की वैल्यू क्या होगी या क्या होनी चाहिए। तो चलिए जी, हम डिस्कशन करते हैं इसमें मोटर कार में हम देखते हैं, तो इसमें कॉलम बने हुए हैं आपके, तो उसमें इसका एक तो आप देख लेना स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए है, और उसके बाद देखिए इसमें एक तो लिखा हुआ है ओनर ऑफ द कार। ओनर ऑफ द कार कौन होगा, एक्सपेंसेस मेट बाय यानी खर्चा कौन देगा, और पर्पस क्या होगा, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पार्क्स यानी पार्क्स की जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, जो पार्क्स टैक्सेबल रहेंगे और जो पार्क्स की वैल्यू टैक्सेबल रहेगी वो क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले दो बातें हैं, एक तो एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉई होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरा अगर डिस्कस करें तो पर्पस क्या होगा, या तो ऑफिशियल यूज़ होगा या पर्सनल यूज़ होगा, या दोनों पर्पस के लिए होगा, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल होगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में एक डिस्कस सीधा करवा दूं। आपके पास अगर तो फुली ऑफिशियल यूज़ आ गया कहीं भी, चाहे वो एम्प्लॉयर द्वारा कार है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर मेट कर रहा है, तो उसमें सीधा ये आ जाएगा कि वो नॉट अ पार्क्स, क्योंकि पूरा ऑफिशियल यूज़ के लिए हो रहा है, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है, वो पर्क्स काउंट नहीं होगा, वो पर्क्स नहीं होगा। सीधा जहाँ भी आपको ऑफिशियल यूज़ दिखे तो उसमें क्या होगा, जैसे देखिए एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस मेट कर रहा है, फुली ऑफिशियल यूज़ है, तो नॉट अ पर्क्स काउंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और पॉइंट में देखते हैं, एम्प्लॉय ऑन अदर ऑटोमेटिव बट नॉट कार। एम्प्लॉई ने कोई भी ऑटोमेटिव कोई साधन है लेकिन वो कार नहीं है, एम्प्लॉयर उसका खर्चा उठा रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो सीधा नॉट अ पार्क्स। अगर तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वो सीधा आपने आंखें बंद करके उसको क्या बोलना है, वो पार्क्स नहीं है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी, एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही खर्चा कर रहा है और एम्प्लॉई उसको पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ कर रहा है, उसका फुली पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो उसका जो एम्प्लॉई का पार्क्स की वैल्यू होगी वो कितनी टैक्सेबल होगी, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी होगा शेफर जो भी, मतलब 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ कार, बस इसमें सीधा ये चीज़ आपने देखनी है, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, जितना भी कॉस्ट ऑफ कार होगी उसका 10% पर एनम निकाल देना, और जो भी एक्सपेंडिचर होगा शेफर का, जो भी ड्राइवर का या किसका भी शेफर होगा, रेमोनरेशन जो भी बनता होगा, वो क्या होगा, टोटली पर्क्स की वैल्यू होगी जो कि टैक्सेबल रहेगी, ठीक है जी। उसमें से अगर एम्प्लॉई ने कुछ भी उसके लिए अमाउंट चार्ज किया है वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सबको मिला के ये बन गया आपका 10,000 रुपये बन रहा है पर्क्स की वैल्यू, लेकिन आपने खुद की जेब से एम्प्लॉई ने 3,000 खर्च कर चुका है, 10,000 में से 3,000 माइनस करके आप बोल सकते हैं कि 7,000 जो है पर्क्स की वैल्यू टैक्सेबल रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही उस पर खर्चा कर रहा है और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूज़ के लिए है, कुछ हिस्सा उसका ऑफिशियल यूज़ में, कुछ तो वो ऑफिशियल यूज़ में भी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए वो यूज़ होती है। और इसमें अभी क्या आपको दे रखा होगा क्वेश्चंस में, इंजन के बारे में दे रखा होगा कि कितने सीसी का इंजन है यानी क्यूबिक कैपेसिटी है। अगर तो वो 1.6 लीटर तक का सीसी इंजन है तो 1800 पर मंथ और प्लस 900 रुपये पर मंथ फॉर शेफर यानी ड्राइवर का जो भी होगा, 1800 पर मंथ और 900 पर मंथ शेफर का रहेगा, ये आपका वैल्यू ऑफ पार्क्स जो भी है मानी जाएगी जो कि टैक्सेबल होगी। अगर 1.6 लीटर से अबव सीसी इंजन होगा तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शेफर का रहेगा, ये कंडीशन आपने सीधी याद रखनी है। अगर एम्प्लॉयर की कार, एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंसिस कर रहा है ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़ दोनों के लिए है, तो अगर 1.6
6 लीटर तक सीसी है तो 1800 प्लस 900, और अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 प्लस 900 रहेगा। तो उसके बाद एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉई उसका क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस दे रहा है, और ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए ही यूज़ हो रही है। तो 1.6 लीटर तक क्या रहेगा, 600 प्लस 900 रहेगा, और 1.6 लीटर से अबव होगा तो 900 प्लस 900 रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, ऑफिशियल पर्पस के लिए हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट, एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर उस पर खर्चा कर रहा है दोनों पर्पस के लिए, ऑफिशियल और पर्सनल के लिए, और इसमें क्या होगा, 1.6 लीटर तक 1800 प्लस 900 रहेगा, और 1.6 लीटर से ज़्यादा होगा तो 2400 प्लस 900 है जो वैल्यू पर्क्स की रहेगी, जो कि टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, इसमें बस ये देख लेना, ये चीज़ होगी जो एक्चुअल में एम्प्लॉय ने खुद खर्चा कर रखा है वो बाद में डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसमें, अगर एम्प्लॉय की खुद की मतलब कोई ऑटोमोटिव है, कुछ भी है, बट वो कार नहीं है, तो अगर एम्प्लॉय वो ऑटोमोटिव जो ऑटोमोटिव जो भी है साधन है वो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर उस पर खर्चा कर रहा है दोनों पर्पस के लिए, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी एम्प्लॉयर खर्चा करेगा उसमें से 900 रुपये पर मंथ जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, वो आपकी वैल्यू ऑफ पर्क्स रहेगी। तो चलिए जी, नोट में देखते हैं क्या है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई कार हायर की है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर की खुद की कार भी नहीं है तो एम्प्लॉयर द्वारा हायर की गई है, तो इफ द एम्प्लॉय इज परमिटेड टू यूज एनी और ऑल कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, और मान लीजिए देखिए एम्प्लॉयर ने कोई कार हायर की और एम्प्लॉय एक या एक से ज्यादा कार्स हैं जिनको ऑफिशियल या पर्सनल पर्पस के साथ यूज करता है, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मान लीजिए वन कार का अगर है, तो एक कार की बात है, तो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वन और सब सेक्शन सी और आई जो वन ही रहेगा, तो इसमें वन सी वन जो है वो देखते हैं, तो उसमें क्या है, ये वाली कंडीशन रहेगी कि 1.6 लीटर तक सीसी है तो 1800 प्लस 900, और 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 प्लस 900 वाली कंडीशन रहेगी, अगर एक कार की बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयर द्वारा हायर की गई है और दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। अगर मान लीजिए मोर देन वन कार, यानी एक से ज़्यादा कार है, तो उस पर कंडीशन कौन सी अप्लाई करेगी, 1B वाली कंडीशन अप्लाई करेगी। तो 1B वाली कंडीशन क्या कहती है, 1B वाली कंडीशन ये है कि वो क्या होगी, उस पर एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस जो 10% कॉस्ट ऑफ कार रहेगा वो रहेगा, अगर एम्प्लॉय खुद उसमें कुछ पे करता है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्या कहता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि नॉट टैक्सेबल पार्क्स, यानी ये मतलब इन पे कुछ टैक्स ना लगे पार्क्स पे, या मतलब हायर डिडक्शन आप चाहते हो वो एप्लीकेबल होगी, उसके लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन देखिए, एम्प्लॉय को जो भी है शुड मेंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ जर्नी अंडरटेकन फॉर द ऑफिशियल पर्पस। जो एम्प्लॉय ने मतलब कार चलाई या जो भी उसकी ऑफिशियल पर्पस के लिए जो भी जर्नी रही है उसकी कंप्लीट डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, उसकी जो कंप्लीट उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे डेट ऑफ जर्नी, कौन सी डेट को जर्नी की, डेस्टिनेशन क्या था, माइलेज क्या थी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो अगर ये पूरा का पूरा मतलब उसके पास ऐसा रिकॉर्ड रहता है तो वो पर्क्स में, यानी पर्क्स नॉट टैक्सेबल भी हो सकते हैं, पूरे के पूरे एग्जम्प्टेड भी हो सकते हैं, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर डिडक्शन भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी, या तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है या फिर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, यानी जो भी जिनकी गाड़ी वो चलाता है एम्प्लॉयर कह लो या उसके अंडर जो भी है एम्प्लॉय की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, यानी पूरा का पूरा होली और एक्सक्लूसिवली परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यानी वो सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि जो कार या कुछ भी साधन जो पूरे का पूरा जो परफॉर्मेंस रही है वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए रही है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल, यानी जो पर्क्स हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे, अगर पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो रहा होगा या पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो वो नॉट टैक्सेबल पर्क्स रहेंगे, और अगर या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हायर डिडक्शन मिल सकती है। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं,
प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अभी मान लीजिए आपको आपके एम्प्लॉयर ने, आप एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको डोमेस्टिक सर्वेंट की एक सुविधा दे दी, पर्क्स दे दिए, तो मतलब उसमें क्या क्या है, आपको स्वीपर की सुविधा दे दी, गार्डनर हो गया, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की सुविधा दे दी है, तो इसमें मतलब क्या इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या क्या वैल्यू ऑफ पर्क्स रहने वाले हैं, या उन पर टैक्सेबल किन किन एम्प्लॉयज़ को लगने वाला है। तो चलिए जी, पहला कॉलम क्या कहता है जी, सर्वेंट अपॉइंटेड बाय, सर्वेंट कौन अपॉइंट करेगा, सर्वेंट को सैलरी कौन पे करेगा, और वैल्यू ऑफ पर्क्स टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, किन किन को टैक्सेबल वो रहेगा। चलिए जी, मान लीजिए सर्वेंट, सर्वेंट की बात कर रहे हैं, उन ऊपर जितने भी हमने बात किए हैं जैसे स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ये किसी में भी एप्लीकेबल हो सकता है। मान लीजिए सर्वेंट अपॉइंट किया एम्प्लॉय ने, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैंने सर्वेंट अपॉइंट किया, मैंने ही उसको सैलरी पे की, तो उसमें देखिए मैंने ही सब कुछ किया, यानी मैंने ही सर्वेंट अपॉइंट किया, मैंने ही सैलरी पे की, तो उसमें मेरा मतलब मेरे को अलग से तो कोई एम्प्लॉयर से सुविधा नहीं मिली, तो उसको मैं क्या मानूंगा, वैल्यू ऑफ पर्क्स नील होगा और टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से सर्वेंट अपॉइंट किया, उसको सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय, यानी मैं ही कर रहा हूँ, तो वो टैक्सेबल नहीं रहने वाला। यानी सीधा सीधा आँखें बंद करके एक चीज़ याद कर लो, जहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय पे करेगा तो उस केस में ना तो वो पर्क्स होगा ना ही वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, अभी बात आती है अगर सर्वेंट अपॉइंट करता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर दोनों साइड में पे कर रहा है, अगर तो एम्प्लॉई पे करेगा तो उस केस में ना तो वो वैल्यू ऑफ पर्क्स होगी ना ही टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है तो जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट पे करेगा एम्प्लॉयर, वो आपका क्या रहने वाला है, वैल्यू ऑफ पर्क्स रहने वाला है। बस फर्क इतना है, अगर सर्वेंट आप खुद एम्प्लॉई अपॉइंट करता है तो वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल है, यानी टैक्सेबल रहेगा, और अगर एम्प्लॉयर सर्वेंट अपॉइंट करके देता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो कि कैटेगरी रहेगी उनकी, उनको ये पर्क्स टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, वेयर द एम्प्लॉई इज़ पेइंग एनी अमाउंट। हाँ जी, ये सीधी सीधी बात हर बार आपको देखने को मिलेगी, जिस पर्क्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हर बार ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी पर्क्स, कुछ भी सुविधा जो है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को मिलती है, और उसमें अगर एम्प्लॉई पहले से उसमें कुछ एक्सपेंसेस अपनी तरफ से करता है या एम्प्लॉई कुछ पे करता है, तो बाद में उस पर्क्स की वैल्यू में से वो क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं वो हमेशा चार्जेबल टू टैक्स रहेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने आपको इन सभी चीज़ों की सुविधा भी दे दी, आपकी आपको वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की सप्लाई भी एम्प्लॉयर द्वारा दी जा रही है। तो अभी देखिए इसमें भी दो कंडीशंस बनेंगी, अगर इनमें पहले कॉलम के ऊपर डिस्कस करते हैं, फैसिलिटी इन द नेम ऑफ, यानी किसके नेम पर वो फैसिलिटी मिल रही है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई के, दोनों में से किसी एक के नाम पर फैसिलिटी मिलेगी। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ पर्क्स किसे काउंट करेंगे, अगर तो प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑन सोर्सेज, यानी एम्प्लॉयर का खुद का ही सोर्स है कुछ, अगर वहां से प्रोवाइडेड हो रहा है तो उसमें क्या कंडीशन रहने वाली है, या प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर ने बाहर से वो अरेंज करके आपको दिया है, या फिर टैक्सेबल, टैक्सेबल किस स्थिति में किसको, कौन से एम्प्लॉयज को लगने वाला है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एम्प्लॉयर के नाम पर ये फैसिलिटीज मिल रही है, तो एम्प्लॉयर अपने नाम पर ये फैसिलिटीज अपने नाम पर दे रहा है, तो ये कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो कि कैटेगरी में होंगे उनको मिलेगी। अगर ये एम्प्लॉयर का खुद का ऑन सोर्स है, तो जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगी एम्प्लॉयर की, वो ही काउंट होगी वैल्यू ऑफ पर्क्स, या जो भी अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का खुद का अपना सोर्स नहीं है, वो बाहर से कहीं से अरेंज करके दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, तो जो सप्लायर को अमाउंट पे की जाएगी वो आपका वैल्यू ऑफ पर्क्स रहेगा। सेम दूसरी कंडीशन में भी बस इतना याद रखना कि अगर एम्प्लॉय के नाम पर फैसिलिटीज मिल रही है तो ऑल एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल है, और जो अगर तो एम्प्लॉयर का खुद का सोर्स है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी जो एम्प्लॉयर की खुद की है, तो अगर बाहर से अरेंज कर रहे हैं तो जो सप्लायर को अमाउंट पे की गई है वो रहेगी। तो इसमें भी सेम केस है, एम्प्लॉई अगर कुछ भी पे करता है तो बाद में पर्क्स की वैल्यू में से वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अलाउंसेस जो भी एम्प्लॉई को दिए जाते हैं वो हमेशा चार्जेबल, फुली चार्जेबल टैक्स होंगे। नेक्स्ट,
फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, यानी या तो एम्प्लॉयर द्वारा मतलब एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज उनके बच्चों के लिए या किसी चीज़ के लिए भी दी जाती है, या कंसेशनल रेट यानी कम रेट पर दी जाती है। मान लीजिए एम्प्लॉयर के खुद के मतलब सोर्सेज में मतलब ऐसा सिस्टम है कि मतलब वो एजुकेशन फैसिलिटी उसका कुछ भी कह लो खुद का ऐसा सेटअप है कि उसके खुद के उसमें ही मतलब प्रोवाइड करवा रहा है अपने उससे सिस्टम से, या बाहर से प्रोवाइड करेगा, दो कंडीशन रहेंगे। चलिए जी, सेम ऊपर की तरह ही है जैसे हमने टेबल किया था। तो फैसिलिटी किसके नाम पर होगी, पहली बात तो ये है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ पर्क्स कहाँ से रहेगी, अगर एम्प्लॉयर का खुद का कुछ ना कुछ सोर्स है उसमें क्या रहेगा, और अगर आउटसाइड से एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है तो उसमें क्या रहेगा, और टैक्सेबल किसमें किस हैंड में रहेगा, कौन से एम्प्लॉयज पर टैक्सेबल रहेगा। सबसे पहले देखिए फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज जो कि फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी रहेगी, मतलब चिल्ड्रन जितने मर्जी हो, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है, और इसमें क्या होगा कि एजुकेशन सिमिलर स्कूल में जो भी होगा मिलेगी, और ये 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी एक साल का एक बच्चे का 12000 पर ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, अगर एक्सीड होगा तो वो टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज ये वैल्यू ऑफ पर्क्स मतलब टैक्सेबल नहीं होगी अगर 1000 पर मंथ तक है या इससे नीचे है। और उसके बाद अगर आउटसाइड से प्रोवाइडेड हो रहा है तो वैल्यू ऑफ पर्क्स क्या मानी जाएगी, जितनी भी एजुकेशन की कॉस्ट आ रही है, और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए है। तो उसके बाद अदर हाउस होल्ड मेंबर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल में ले सकते हैं, और एजुकेशन जितना बार खर्चा आएगा अगर आउटसाइड में करना चाहते हैं, ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए है। तो उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, अगर एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल फीस एंड द सेम इज रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, देन द एंटायर अमाउंट रीइंबर्स अगर आपको हो गई है तो वो फुली टैक्सेबल रहने वाली है। अगर मान लीजिए स्कूल फीस या अदर मान लीजिए कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर रहा है इस चीज़ को लेकर, तो वो अगर आप रीइंबर्स करवा लेते हैं, रीइंबर्स हो भी जाता है, तो वो फुली टैक्सेबल आपके रहने वाली है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी, चाइल्ड में कौन कौन काउंट होगा, स्टेप चाइल्ड और अडोप्टेड चाइल्ड दोनों काउंट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1000 पर मंथ से एक्सीड पर चाइल्ड एक्सीड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फुल की फुल अमाउंट जितनी भी अगर 1000 से ज़्यादा होगी तो पूरी की पूरी टैक्सेबल आपकी रहने वाली है। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट। फ्री ट्रांसपोर्ट में आपका जो वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स रहने वाला है उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर तो आपको एम्प्लॉयज़ को मतलब रेलवे या एयरलाइन की जो भी पर्क्स दी जाती हैं उस पर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं लगने वाली। अगर आप कोई एनी अदर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज लेते हो तो उसमें क्या होगा, सच बेनिफिट इज ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू पब्लिक। जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दिए गए हैं उसमें से एम्प्लॉई ने जितना भी खर्चा किया है वो माइनस हो जाएगा और बाकी जो बचा वैल्यू ऑफ पर्क्स मानी जाएगी। तो उसके बाद वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर सिक्योरिटी इशूड अंडर ESOP सेक्शन देख लेना जी इसका। शेयर सिक्योरिटी के मामले में हम क्या इसको वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स मानेंगे ये डिस्कस करते हैं। एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ भी सिक्योरिटी शेयर्स अलॉटेड या ट्रांसफर करता है फ्री या कॉन्सेशनल रेट पर, तो वो जितने भी पर्क्स शेयर या सिक्योरिटी के रूप में होंगे वो पर्क्स टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी, ये अभी शेयर और सिक्योरिटी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, FMV का मतलब जो भी सिक्योरिटी और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद इसमें फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि हम फेयर मार्केट वैल्यू जो भी लिस्टेड शेयर होंगे उनकी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए जी, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। चलिए जी, इसमें मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड शेयर रहेंगे उनकी ओपनिंग रेट क्या था और क्लोजिंग रेट क्या था, उन दोनों का रेट निकालने के बाद उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के बाद उसकी FM जो एवरेज आएगी वो फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, उसमें से वो चीज़ लेस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने खुद खर्च किया है अपनी तरफ से, तो इसमें जो भी आपका बचेगा माइनस करने के बाद वो आपकी पर्क्स की वैल्यू होगी। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और 8 क्लोज 8 में मतलब वैल्यूएशन ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट एंड एमिनिटीज। मान लीजिए कोई भी आपको अदर फ्रिंज बेनिफिट या एमिनिटीज सुविधाएं मिलती हैं उनकी वैल्यूएशन क्या रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल एक
चीज लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। आपने कोई लोन लिया एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई ने कोई लोन लिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री इंटरेस्ट था या कंसेशनल रेट कम रेट पर दिया गया, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ वर्क्स कितनी मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी, वैल्यू ऑफ वर्क्स क्या होगी, हमने SBI के जो भी लेटेस्ट रेट होंगे, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, जो भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस होगा उस पर जो भी SBI का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी जो एम्प्लॉय ने खुद उस पर खर्चा किया होगा, इंटरेस्ट रिकवर्ड किया होगा, वो माइनस कर देंगे, तो आपकी जो बचेगी वो वैल्यू ऑफ पर्क्स होगी। तो अभी डिस्कशन करते हैं मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्या चीज़ है। तो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, जो भी आपकी हर लोन के एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है, जो एग्रीगेट बैलेंस है वो लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी डिस्कशन करते हैं, नथिंग इज टैक्सेबल। देखिए कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल मतलब लोन के बारे में मतलब टैक्सेबल नहीं होंगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप फुलफिल कर देते हो तो उन पर्क्स पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो पर्क्स टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आपका लोन जो है 20,000 से ज़्यादा नहीं है, अगर 20,000 से ज़्यादा होगा तो वो आपका पर्क्स क्या होगा, कंसिडर होगा टैक्सेबल, ठीक है जी। तो उसके बाद सच लोन्स आर गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या तो आप कोई लोन है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हो, उसमें अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी हो, लेकिन वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ट्रैवलिंग टूरिंग और अकोमोडेशन के ऊपर। वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स हम काउंट कर रहे हैं ट्रैवलिंग टूरिंग या अकोमोडेशन के बेस पर, तो इसमें क्या रहेगा, एनी अदर एक्सपेंसेस पे और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल बाय एम्प्लॉय। मान लीजिए एम्प्लॉय कोई भी मतलब एक्सपेंसेस अपनी तरफ से करता है, अगर ट्रैवलिंग टूरिंग या अकोमोडेशन को लेकर अगर उसका रीइंबर्स हो जाता है, जो वो आप उसका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पर्क्स माना जाएगा, सिर्फ LTC को इसमें कंसीडर नहीं करना, LTC का सेक्शन देख लेना। तो उसके बाद वेयर सच फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर एंड अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। तो अभी देखिए इसमें दो कंडीशंस बन रही हैं, अगर मान लीजिए जो फैसिलिटीज एम्प्लॉयर द्वारा सभी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं यूनिफॉर्मली सेम टू सेम सभी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, जितना भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर द्वारा होगा उसमें से एम्प्लॉय का जो अमाउंट एम्प्लॉय का खर्चा रहेगा, अमाउंट रिकवर्ड होगी वो लेस हो जाएगा और वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ पर्क्स माना जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर द्वारा दी जा रही है जो कि नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली, सभी एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है, तो मान लीजिए वो एम्प्लॉयर ने खुद की तरफ से नहीं, बाहर की एजेंसीज या थर्ड पार्टी की तरफ से वो फैसिलिटीज दी है, तो उस केस में क्या कंसीडर करेंगे, जो कि फैसिलिटीज ऑफर हुई हैं अदर एजेंसीज ने ऑफर की हैं, जो भी उनका प्राइस रहेगा, जो भी उनकी वैल्यू रहेगी, उसमें से जो भी एम्प्लॉय ने अमाउंट रिकवर की है, एम्प्लॉय द्वारा अमाउंट रिकवर की गई है, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो चलिए जी नोट्स में पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए जी, वेयर द एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर एंड द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड अकंपनिंग हिम, तो वो क्या रहेगा, लायबल टू टैक्स एज पर्क्स। देखिए जी पहले इसमें क्या बात कह दी, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई ऑफिशियल टूर पर गया है और उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो भी रहे हैं और उसके साथ कोई ना कोई हाउस होल्ड का कोई भी मेंबर गया है, तो जो उस पर खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, यानी एक तो एम्प्लॉई हो गया, एम्प्लॉई को ऑफिशियल टूर का एक्सपेंसेस जो भी मिलेगा वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड या नॉन एग्जम्प्टेड में रहेगा ही रहेगा, बट जो उसके साथ हाउस होल्ड कोई भी मेंबर गया है तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर रहने वाला है वो क्या होगा, वो एज अ पर्क्स तो मिलेगा लेकिन वो टैक्सेबल पर्क्स होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट,
वेयर एनी ऑफिशियल टूर एक्सटेंडेड एज वैकेशन। मान लीजिए ऑफिशियल टूर बाय रीजन किसी वजह से उस टूर को एक्सटेंड करना पड़ गया, या मतलब बाय इंटरेस्ट उसको मतलब कह सकते हैं कि एक्सटेंड करना पड़ गया, कि उसके बाद सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और वैकेशन, जितना एक्सटेंडेड पीरियड मतलब उन्होंने स्टे किया या वैकेट किया, तो वो भी एक पर्क्स की तरह ट्रेड किया जाएगा। तो उसके बाद फ्री लंच रिफ्रेशमेंट बेवरेजेस जो भी हैं, इनका रूल नंबर सेक्शन देख लेना जो भी हैं, तो उसमें जो भी है टैक्सेबल, ये सभी जो भी फ्री लंच रिफ्रेशमेंट बेवरेजेस रहने वाली हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी इनमें, पहली बात तो ये देखते हैं पर्क्स की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी जो एम्प्लॉयर द्वारा उस पर कॉस्ट लगाई गई है, एम्प्लॉयर का जो भी उस पर एक्सपेंसेस आया है उसमें से माइनस कर देंगे एम्प्लॉयी की जो एम्प्लॉयी ने अमाउंट रिकवर्ड की है, जो बचेगा उसकी वैल्यू ऑफ पर्क्स होगा और वो टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, फैसिलिटीज इन द फॉलोइंग केस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो फैसिलिटीज़ या पर्क्स दिए जाएंगे वो फैसिलिटीज़ टैक्स एग्जम्प्टेड होंगी, कौन कौन सी देखते हैं, फ्री फूड, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 50 रुपीज़ पर मील जो है मतलब वो आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा, एग्जम्प्ट होगा आपका। ठीक है, इसमें इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है कब, ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट ऑफिस और बिजनेस प्रमाइसिस के लिए, यानी वर्किंग आवर में आपको जो भी फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है तो 50 रुपीज़ पर मील जो है आपका वो एग्जम्प्टेड रहने वाला है। या कुछ कंडीशंस ऐसी रहेंगी कि आपको कुछ वाउचर दिए गए हैं वो किसी और काम के नहीं है, जस्ट आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग जॉइंट्स में ही यूज़ कर सकते हैं, तो इस केस में भी आपका एग्जम्प्टेड रहने वाला है। टी और स्नैक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वर्किंग आवर में तो वो एग्जम्प्टेड रहने वाला है, और बेवरेजेस या फ्री फूड अगर वर्किंग आवर में मिल रहा है तो वो आपको हमने बात की है फ्री जैसे पर मील जो है 50 रुपीज़ एग्जम्प्टेड होगा, बट हमने ये भी डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में, जैसे रिमोट एरिया में ऑफशोर या कुछ भी आप ट्रांसमिशन या मतलब जैसे आप कह सकते हैं किसी ऐसे एरिया में जहां रिमोट एरिया है, तो उस कंडीशंस में आपको ये पूरे के पूरे जो पर्क्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं। तो उसके बाद वर्किंग आवर का मतलब क्या होता है, वर्किंग आवर का मतलब ये होता है कि एक्सटेंडेड और आप कह सकते हैं यानी ऑफिस का जो एक आपका टाइम पीरियड रहता है उसके बाद के जो एक्स्ट्रा आवर में आप काम करते हैं, जैसे वर्किंग ऑन हॉलीडे ओवर टाइम, उसको हम वर्किंग आवर मानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्ट, वाउचर और टोकन। आपको एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को एक पर्क्स दिए गए हैं, तो कोई भी गिफ्ट वाउचर, सीधा सीधा इसका दिमाग में बिठा लो कि कोई भी गिफ्ट वाउचर या टोकन एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दिया जाता है वो वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वो 5,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, अगर 5,000 से ऊपर है तो वो फुली टैक्सेबल रहने वाला है। अगर उसकी वैल्यू 5,000 से ऊपर रहेगी, किस केस में, गिफ्ट वाउचर और टोकन के केस में, अगर वैल्यू है जो पर्क्स की इन चीज़ों की 5,000 से ज़्यादा होगी तो वो फुली टैक्सेबल रहने वाली है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर टोकन इज़ बिलो, वही चीज़ है, अगर 5,000 से कम होगी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल पर्क्स नहीं होंगे, अगर 5,000 से ज़्यादा होगी तो फुली टैक्सेबल रहने वाले हैं। तो एग्जम्पशंस ऑफ 5,000 शैल बी डिनाइड इन केस ऑफ कैश गिफ्ट, यानी जो 5,000 की एग्जम्पशन हमने देखी किन किन चीज़ों में है, गिफ्ट वाउचर या टोकन, इन ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर या टोकन, गिफ्ट किसी भी तरह का मतलब कोई चीज़ हो सकती है, तो उस केस में 5,000 तक एग्जम्प्टेड रहेगा। लेकिन अगर कैश गिफ्ट मिल रहा है, मान लीजिए 7,000, 8,000, 3,000, 2,000, तो वो फुली मतलब क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, उसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं नोट में, तो इसमें है कि गिफ्ट अप टू 5,000 इन एग्रीगेट पर एनम वुड बी एग्जम्प्टेड, यानी पर एनम एक साल में अगर 5,000 रुपये तक आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है चीज़ के रूप में, किसी भी वस्तु के रूप में, तो वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। अगर कैश गिफ्ट है तो अगर 500 भी मिला तो आपका वो क्या रहने वाला है, टैक्सेबल रहने वाला है। तो ये क्या होगा, गिफ्ट अप टू 5,000 तक आपका जो है पर एनम एग्जम्प्टेड
स्टैंडर्ड रहने वाला है, अगर 5000 से ऊपर होगा तो वो एज अ पर्क्स आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसमें से जो भी वैल्यू ऑफ पर्क्स रहेगी वो क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट वैल्यू और 5000, यानी 5000 तक क्या रहने वाला है एग्जम्प्टेड, उसके ऊपर जितनी भी आपकी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू ऑफ पर्क्स हम उसे कहेंगे। तो उसके बाद डिस्कशन करते हैं क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की आपको एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को या उसकी एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को सुविधा मिल रही है तो वो भी एज अ पर्क्स काउंट होगा। तो देख लीजिए जी किस तरह का काउंट हो सकता है, जैसे मेंबरशिप फीस या एनुअल फीस एम्प्लॉय या उसके किसी भी हाउस होल्ड मेंबर द्वारा पे की गई है या एक्सपेंसेस बन रहा है जो कि उनको एक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी गई है, एम्प्लॉयर ने उनको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी है पे करने के लिए, और या बाद में अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो बाद में उसका रीइंबर्स हो गया तो वो पर्क्स भी क्या है कि चार्जेबल टू टैक्स रहेंगे। ये ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जितने भी पर्क्स होंगे वो सारे टैक्स चार्जेबल होंगे। तो उसके बाद अमाउंट रिकवर्ड, जितनी एम्प्लॉय अमाउंट रिकवर्ड करेगा वो रिड्यूस हो जाएगी, ये लाइन हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, सच एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज, अगर कोई भी अमाउंट है ये सीधा दिमाग में बिठा लो ऑफिशियल पर्पज के लिए सारा का सारा यूज हो रहा है तो वो एज अ पर्क्स नहीं होगा। तो उसके बाद क्लब एक्सपेंडिचर, क्लब एक्सपेंडिचर की बात करें, क्लब में क्या होगा, क्लब एक्सपेंडिचर कैसे होता है, क्लब इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ एनुअल या पीरियोडिकल फीस, जो भी आपकी एनुअल या पीरियोडिकल फीस की अमाउंट होगी उसको हम क्लब एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई या एम्प्लॉई के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको एज अ वैल्यू ऑफ पर्क्स कहेंगे। तो उसके बाद जो भी मतलब एम्प्लॉय इसकी रिकवर करेगा वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, और इनिशियल फी पे फॉर एक्वायरिंग कॉरपोरेट मेंबरशिप इज नॉट अ टैक्सेबल पर्क्स। मान लीजिए कोई भी कॉरपोरेट मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए इनिशियल फी एम्प्लॉई की एम्प्लॉयर द्वारा पे की जाती है तो वो टैक्सेबल पर्क नहीं होंगे। तो उसके बाद नो टैक्सेबल पर्क्स इन केस हेल्थ क्लब स्पोर्ट क्लब सिमिलर फैसिलिटीज, हाँ जी इसमें ये बात ध्यान रखना ऑल एम्प्लॉइज के केसेस में जो भी हेल्थ क्लब फैसिलिटीज या स्पोर्ट क्लब फैसिलिटीज या इसके जैसी सिमिलर फैसिलिटीज जो हैं वो टैक्सेबल पर्क्स काउंट नहीं होंगे। तो उसके बाद क्लब एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और अगर तो बिजनेस पर्पस या ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वो ना तो पर्क्स काउंट होंगे ना ही वो टैक्सेबल पर्क्स रहने वाले हैं। तो चलिए जी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ एम्प्लॉयर मूवेबल एसेट। अभी मान लीजिए एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट को यूज कर रहा है, जैसे गाड़ी वगैरह या कोई बाइक या कुछ भी ऐसी मूवेबल एसेट को अगर एम्प्लॉयर का है वो एम्प्लॉई यूज कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, मूवेबल एसेट में आप लैपटॉप और कंप्यूटर को इंक्लूडेड नहीं करोगे, तो एक्सेप्ट इनको छोड़कर बाकी चीज़ों में एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट अगर एम्प्लॉई यूज़ करता है तो उसमें या एम्प्लॉई कह लो या एनी अदर मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड तो उस पर उसकी वैल्यू ऑफ पर्क्स क्या रहने वाली है या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क्स क्या रहेगी। पहली बात तो ये देख लीजिए जी जो भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी, मान लीजिए एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉई यूज़ कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1,00,000 है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1,00,000 है तो उसका 10% पर एनम उसका वैल्यू ऑफ पर्क्स काउंट होगा। 1,00,000 का 10% आप मान सकते हैं 10,000 उसका वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स होगा और ये टैक्सेबल भी रहेगा। या एक्चुअल अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर की गाड़ी नहीं है, एम्प्लॉयर ने हायर करके दी है तो जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ हायर चार्जेस यानी आगे थर्ड पार्टी को पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो उसका वैल्यू ऑफ पर्क्स माना जाएगा और वो भी टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेर द एम्प्लॉई इज पेइंग एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट शैल बी, हाँ जी ठीक है, इस पर्क्स के रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉय अपनी तरफ से पे करता है तो वो बाद में वैल्यू ऑफ पर्क्स में से डिडक्ट हो जाएगा। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के मेंबर हम किन किन को मान सकते हैं, जैसे स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेज हो गए, पेरेंट्स हो गए और सर्वेंट और डिपेंडेंट्स को हम क्या मानेंगे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कंसिडर करके चलेंगे। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी
मूवेबल एसेट। ट्रांसफर का मतलब यहाँ हम सेल भी मान सकते हैं, एम्प्लॉयर ने एज अ गिफ्ट सेल जो है मतलब एम्प्लॉई को दे दिया। तो अभी मूवेबल एसेट के केस में देखते हैं, इफ़ एनी मूवेबल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, वही बात है कि एम्प्लॉयर ने कोई भी मूवेबल एसेट ट्रांसफर या सेल या गिफ्ट एज अ एम्प्लॉई को दिया है तो उस केस में वैल्यू ऑफ पर्क्स क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए कि जो एम्प्लॉयर ने दिया है उसकी तो पहले एक्चुअल कॉस्ट देख लेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को गाड़ी दे दी तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो बन रही है वो 1,00,000 बन रही है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें चलो एक और कंडीशन लेके चलते हैं, ये नहीं मानते कि 1,00,000 बन रही है, जो एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कॉस्ट उस पर खर्च किया था, मान लीजिए 1,00,000 की उसने ली थी और 2 साल उसने खुद चलाई, ठीक है जी। उसके ऊपर क्या होगा, हमने लेस करना है डेप्रिसिएशन फॉर एवरी कम्प्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज बाई एम्प्लॉयर। मान लीजिए अभी हमने बात की 1,00,000 की उसने खरीदी थी 2 साल पहले और दो डेप्रिसिएशन मान लीजिए वो आपको परसेंटेज दे रखी होगी कि किस पॉइंट किस परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जितने ईयर एम्प्लॉयर ने यूज़ किया है उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 का 10% यानी 1 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी, 90,000 रह जाएगी, और उसके बाद फिर 1 साल और यूज़ की तो 10% और माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 81,000 रह जाएगी, यानी उसको डेप्रिसिएशन कितना मिला, 1,00,000 में से 81,000 माइनस कर दो तो 19,000 उसका डेप्रिसिएशन जो है 2 साल उसने यूज़ किया एम्प्लॉयर ने तो माइनस कर देंगे। तो उसके बाद मान लीजिए 19,000 माइनस करने के बाद 81,000 वो रह गया। उसके बाद एम्प्लॉई ने कुछ जो भी उसको पे किया एम्प्लॉयर को, मान लीजिए 50,000 पे किया, तो उसके लिए 50,000 पे किया वो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 31,000 जो कि क्या होगा एम्प्लॉय के लिए एज अ वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स होगा, यानी एक तरह से उसका पर्क्स, उसको सुविधा मिल गई, उसको सस्ते में गाड़ी मिल गई या कुछ भी है, उसकी एक्चुअल प्राइस इतना बन रहा था लेकिन एम्प्लॉय ने इतने पैसे में उसको ले लिया तो उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स क्या रहेगा, जो दोनों का उनका डिफरेंस होगा। तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो उसके बाद ये आपको टेबल भी दे रखा है कि किसमें कितना होगा, अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो 50% और मोटर कार की बात करें 20% और एनी अदर एसेट होगा तो 10%। अभी देखिए इसमें मेथड कौन सा लगेगा, एक तो हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन। रिटर्न डाउन वैल्यू यही होती है जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाई है कि मान लीजिए अभी 1,00,000 की बात कर रहे हैं और 10% जो है डेप्रिसिएशन या 10% जो है उसका लग रहा है रेट है, तो 1,00,000 पे 10% लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू तो 90,000, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90,000 हम काउंट करेंगे, तो उसके बाद 90,000 पे 10% हम डिडक्ट करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है जी। ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपने 2 साल चलाया, 1,00,000 हमारी टोटल अमाउंट थी, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया सीधा सीधा हर साल का आपका 10% ही कटेगा। जैसे मान लो 2 साल का कितना हो गया 20%, सीधा सीधा 20% आप लेस कर दो तो 80,000 रह गया, ठीक है जी। उसके बाद अदर बेनिफिट्स और एमिनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। द एम्प्लॉयर शैल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसमें क्या आएगा, रेजिडुअल हेड द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट और अम्यूनिटी सर्विस राइट प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अभी देखिए जितने भी मान लीजिए बेनिफिट्स अम्यूनिटीज या सर्विस प्रिविलेजेस जो भी हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो कंसिडर की जाएगी। तो जो भी उसके बाद कंसिडर होगी तो उसके बाद क्या होगा, जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया अपना, जितना स्पेंड किया मतलब जितना खुद से खर्च कर रहा है, एक्सपेंसेस होगा जो एम्प्लॉय का खुद का, वो रिड्यूस कर देंगे तो बचा हुआ क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स होगा। तो उसके बाद इनकम इन द नेचर ऑफ पर्क्स एग्जम्प्टेड, अभी देखिए पर्क्स एग्जम्प्टेड कितना होगा इसमें डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 10CC याद कर लेना, टैक्स पे बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मोनेटरी पर्क्स इनकम ऑफ एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्टेड। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, अगर एम्प्लॉय की कोई भी पर्क्स वाली इनकम थी नॉन मोनेटरी जो पर्क्स थे उनकी जो इनकम थी उस पर कुछ टैक्स लगा, एम्प्लॉय के नॉन मोनेटरी पर्क्स की इनकम पर कुछ टैक्स लगा, जो टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर द्वारा पे किया गया, तो उस को हम क्या मानेंगे, वो पर्क्स क्या होंगे, वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा,
ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। तो इसमें क्या है जी, डिस अलाउ सच एक्सपेंडिचर इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर द टैक्स सो पे बाय द एम्प्लॉयर विल नॉट बी डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर इन हिज हैंड। बस सीधा सीधा ये बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर ने जो टैक्स पे किया है बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पर जो भी टैक्स पे किया है वो एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी मेडिकल फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड की गई है या जाती है एम्प्लॉई के बिहाफ पर, ठीक है जी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो उसके लिए अगर मान लीजिए जो भी आपने फैसिलिटीज़ मिली या रीइंबर्स करवा लिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के लिए या हिज फैमिली मेंबर के लिए, तो वो टैक्स फ्री पर्क्स होंगे अगर उसके लिए कंडीशन है। अगर हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, अगर हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है एक तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है कि सम पे बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी एक्सपेंडिचर, अगर एम्प्लॉय कुछ सम पे करता है इन कंडीशंस में तो भी वो टैक्स फ्री रहने वाले हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं। अगर एक तो हो गया कि हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी, और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी है, या हॉस्पिटल CGHS के अंडर आता है, और या फिर डिसीज एलमेंट, या तो वो अप्रूव्ड हुआ है CCIT के थ्रू, ठीक है जी। अभी देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हमने पढ़ ली कि आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं वो आपकी क्या होंगी, टैक्स एग्जम्प्टेड होंगी। किन केसेज में, अगर हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, CGHS या CCIT द्वारा अप्रूव्ड, ठीक है जी। और उसके बाद ग्रुप, या तो आपके पास ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है वो पे हो जाए, मतलब पे हो जाएगा इस सेक्शन के अंडर, या मेडिकल इंश्योरेंस ये सेक्शन 80D के अंडर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और प्रीमियम ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, या आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको मेडिकल एनी अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर है, अगर रीइंबर्स होता है तो वो आपका प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम 15,000 तक ही एग्जम्प्ट हो पाएगा, और उसका उससे अगर ज़्यादा बनेगा तो वो आपका टैक्सेबल रहने वाला है। तो अभी बात करते हैं आउटसाइड इंडिया, अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया चल रहा है वो भी आपका टैक्स फ्री पर्क्स काउंट होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और कितना एग्जम्प्टेड होगा ये भी कंडीशंस हैं। अगर एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई और एनी फैमिली मेंबर, अगर एम्प्लॉई या किसी भी फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है इंडिया के बाहर, तो जितना भी एग्जम्पशन उसमें मिलेगी वो किसके द्वारा परमिटेड होगी, RBI उसको डिसाइड करेगा। और उसके बाद अभी एक पेशेंट और उसके साथ जो भी एक वन अटेंडेंट रहेगा, जो कि अगर आप इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट करवाते हो, दोनों का जो भी खर्चा रहने वाला है, एक्सपेंसेस रहने वाला है, उधर स्टे करने का एक्सपेंसेस रहने वाला है, उसकी एग्जम्पशंस भी जो है RBI द्वारा डिसाइड की जाएगी। तो उसके बाद ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर अब्रॉड ऑफ द पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, पहले स्टे का था वो RBI ने डिसाइड करना है, और जो भी उस पर मेडिकल पर खर्चा आएगा वो भी उसका एग्जम्पशन जो है RBI डिसाइड करेगा। अगर उस पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं पेशेंट और वन अटेंडेंट की, तो वो फुली एग्जम्प्टेड रहेगा अगर आपका टोटल ट्रेवल एक्सपेंडिचर है 2,00,000 से कम या 2,00,000 के इक्वल है। उसके बाद इन अदर केसेस में देखें तो फिर फुली टैक्सेबल रहने वाला है। तो उसके बाद फैमिली में किस किस को कंसीडर किया जाता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट में कौन कौन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो हॉस्पिटल हम किस किस चीज़ को कह सकते हैं, डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम को मान सकते हैं। जितने भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेज अगर एम्प्लॉई को मिलते हैं तो वो ऑलवेज टैक्सेबल रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी रिलीफ का एक तो सेक्शन याद कर लेना, सीधा अंडर सेक्शन 89 है, और इसके बाद इसमें क्या है, रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ एन असेसी सैलरी बीइंग पे इन एरियर एडवांस बाय रीजन ऑफ हिज हैविंग रिसीव्ड इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर सैलरी फॉर मोर देन 12 months या पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 एंड सबसेक्शन 3 में जो भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए रिलीफ का मतलब क्या होता है, आगे इसको डिस्कस नेक्स्ट लाइन में करेंगे, पहले इसमें देख लीजिए कि कोई भी असेसी या कोई एम्प्लॉई है जिसको मतलब सैलरी तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ
कुछ भी प्रीवियस ईयर का एडवांस एरियर या कुछ भी उसको रिसीव हुआ वन या मोर देन वन एम्प्लॉयर से उसको रिसीव हुआ, या वो मोर देन 12 मंथ का भी हो सकता है, या सैलरी के प्लेस पर कुछ भी प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगा हिज इनकम, अगर उसकी इनकम असेस्ड इनकम से ज़्यादा होती है, रेट हायर देन एट विच वुड अदरवाइज हैव बीन असेस्ड, जो एओ ने असेस की है अगर उससे हायर है, तो इस केस में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम ऑन इन दिस बिहाफ ग्रांट सच रिलीफ इज प्रेस्क्राइब्ड। अभी इसमें देखिए सिंपल ये था, रिलीफ कब मिल सकती है, अगर मान लीजिए आपके प्रीवियस ईयर का जो भी मतलब आपकी सैलरी एरियर या मोर देन 12 मंथ का जो भी सैलरी कुछ भी आपके प्रॉफिट्स वगैरह हैं, अगर एओ द्वारा असेस की गई इनकम से ज़्यादा बन रहा है, हायर देन बन रहा है, तो उस केस में एओ उसको डिसाइड कर सकता है कि कितनी रिलीफ देनी है। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड। अभी देखिए आपको रिलीफ नहीं मिलेगी कौन से केसेस में, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लेते हो, यानी हमने ये प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था वीआरएस और वीएसएस के केस में, अगर आप एक बार एक वीआरएस एक वीएसएस और एक कंपनसेशन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में अगर आप एक बार बेनिफिट ले लेते हो तो आपको रिलीफ है जो रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिल पाता, आप रिलीफ ग्रांट नहीं कर पाते। तो अभी ये देखिए एग्जम्पशंस जो है इसकी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी में मिलेगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट टर्मिनेशन ऑफ इस सर्विस वॉलंटरी सेपरेशन हैज बीन क्लेम बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर आप कोई भी असेसमेंट ईयर या उसी असेसमेंट ईयर में एग्जम्पशन ले लेते हो वीआरएस वीएसएस या कंपनसेशन के रिगार्डिंग, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ इन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर ऑन एडवांस। और मान लीजिए आपको कोई एरियर या एडवांस मिला और उसका जो भी रिसीव हुआ सैलरी बनी, तो उसमें रिलीफ आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं या किस में रिलीफ मिलेगा। तो चलिए जी सबसे पहले ये देख लेते हैं, इंक्लूडिंग जो आपकी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम दिस ईयर जो टोटल इनकम होगी और उसमें एडिशनल सैलरी जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी एडिशनल सैलरी इंक्लूडिंग होगी, पहला केस इसको पॉइंट वन बोल देंगे, यानी आपकी टोटल इनकम जो होगी उसमें इंक्लूडिंग रहेगी एडिशनल सैलरी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इसको पॉइंट वन इंक्लूडिंग है, बस ये रखना पॉइंट वन मानेंगे, और टोटल इनकम जो कि उसमें आपकी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड जो है एडिशनल सैलरी एक्सक्लूडिंग है, उसको आप काउंट नहीं कर रहे, ये तो हो गया पॉइंट नंबर दो, ठीक है जी। और अभी तीसरे पॉइंट में आपने क्या करना है, वन और टू का डिफरेंस करना है जो भी आपका आंसर आएगा। मान लीजिए इंक्लूडिंग सैलरी मिला के आपका बन रहा है 1,00,000 और एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी मिला के बन रहा है आपका 75,000, तो तीसरे पॉइंट में दोनों का डिफरेंस आ गया 25,000, ठीक है जी। तो उसके बाद फोर्थ में आपने क्या देखना है, कंप्यूट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम आफ्टर इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में बन रहे थे, यानी प्रीवियस रिकॉर्ड उठाना है, जो प्रीवियस ईयर में पिछली एडिशनल सैलरी सभी मिलाकर जो भी बनेगा, मान लीजिए इसमें आपका 2,00,000 बन रहा है, तो उसके बाद दूसरे केस में क्या करना है, प्रीवियस ईयर में एडिशनल सैलरी जो भी एक्सक्लूड करनी है उसमें आपका मान लीजिए 1,80,000 बन रहा है, तो इसमें क्या करोगे, 4 और 5 पॉइंट का आपने डिफरेंस कर देना है, 4 और 5 पॉइंट का जो डिफरेंस करोगे तो उसको पॉइंट नंबर 6 बोल देंगे। तो अभी पॉइंट 3 में हमारे पास डिफरेंस आ रहा था 25,000 और 6 पॉइंट में हमारा डिफरेंस आ रहा है 20,000, ठीक है जी। तो अभी इसके लिए दो कंडीशन है, अगर तो जो तीसरा पॉइंट है जो लेटेस्ट वाली हमने इनकम निकाली और प्रीवियस ईयर वाली इनकम के दोनों के डिफरेंस में से तीसरे वाला पॉइंट 6 पॉइंट से ज़्यादा है बड़ा है, तो उसमें उस केस में आपको रिलीफ मिलेगी। जैसे हमने थर्ड पॉइंट में डिफरेंस आ रहा था 25,000 और 6 पॉइंट में डिफरेंस आ रहा था हमारा 20,000, तो 25,000 जो है तीसरा पॉइंट बड़ा है 6 पॉइंट से, तो उस केस में रिलीफ मिलेगी। अगर मान लीजिए तीसरे पॉइंट में जो था 20,000 होता और हमारा 6 पॉइंट में 25,000 होता, तो इट मींस थर्ड पॉइंट अगर 6 पॉइंट के इक्वल हो जाता है या छोटा हो जाता है तो उसमें रिलीफ नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, तो देखिए इसमें आपको दे रखा है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय
फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब कौन कौन रहेगा, जैसे हम ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसको कंसीडर करेंगे, सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी को। अगर पेंशन की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी कॉरपोरेशन रहेगा। लीव सैलरी में और रेंट फ्री अकोमोडेशन या एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ही मानेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी। अभी मैंने आपको बोला था कि सैलरी का ये सबसे बहुत बढ़िया चार्ट है, मतलब इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हर जगह अलग अलग जगह पे सैलरी का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये टेबल सही से बैठ गया तो मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए जी, एक तो सबसे पहले आपने इनके सेक्शन याद कर लेने हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का क्या सेक्शन है, ग्रेचुटी अगर रिसीव की है तो उसका क्या सेक्शन है, ग्रेचुटी रिसीव नहीं की उसका क्या सेक्शन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक तो आप ये सेक्शन देख लेना और दूसरा आपने क्या देखना है, जैसे मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट अलाउंसेस निकालना है तो उसके लिए आप कंसीडर करोगे सैलरी को बेसिक सैलरी। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए सैलरी जो होगी वो बेसिक सैलरी कंसीडर करोगे। अगर ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं और ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड है या रिसीव की हुई है तो उसका मतलब सैलरी क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो इसमें ना सीधा सीधा एक और देख लेना, एक तो ग्रेचुटी अगर कवर्ड है तो बेसिक प्लस डीए रहेगा और कंपेंसेशन में भी बेसिक प्लस डीए रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद कर लेनी है। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात कर रहे हो तो जस्ट बेसिक, अगर ग्रेचुटी कवर्ड और कंपेंसेशन की बात कर रहे हो तो बेसिक प्लस डीए, अगर ग्रेचुटी नॉट कवर्ड की बात कर रहे हो तो बेसिक प्लस डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए प्लस कमीशन जो कि परसेंटेज बेस होगी। ये फॉर्मूला किस किस पे लगेगा सैलरी निकालने के लिए, एक तो ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में लगेगा और एचआरए में लगेगा और वीआरएस और आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन या उसके बाद स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की अगर आप बात करते हो वो क्या रहने वाला है। अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हो या कंसेशनल रेट पर देने की बात कर रहे हो तो उसमें सैलरी का मतलब क्या रहेगा, बेसिक प्लस अलाउंसेस जितने भी हैं और बोनस कमीशन और उसके बाद डीए होगा जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा और एनी मनी पेमेंट जो भी मतलब आप टैक्स चार्जेबल रहेगी वो सारा कुछ मिला के आपकी टोटल सैलरी बनने वाली है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, आपकी जो एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ में उसको कंसीडर नहीं करेंगे और वैल्यू ऑफ पर्क्स जो कि सेक्शन 17 और सबसेक्शन 2 में आपको वैल्यू ऑफ पर्क्स दे रखे हैं वो आप इसमें सैलरी में इंक्लूड नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से पर्क्स ले रहे हो या सैलरी वगैरह कुछ भी ले रहे हो, ठीक है जी, तो उसके बाद सैलरी का मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड के लिए एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, बेसिक सैलरी डीए कमीशन पेबल मंथली टर्नओवर यानी यहाँ पे जो कमीशन होगी वो मंथली या टर्नओवर बेस पर होगी, परसेंटेज बेस पर नहीं होगी। बोनस फीस एडवांस सैलरी एरियर एनी अदर टैक्सेबल पेमेंट या टैक्सेबल अलाउंसेज या मॉनेटरी बेनिफिट्स रहने वाले हैं। ये सबका प्लस करने के बाद जो भी आपको अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलने वाली है वो आप माइनस कर दोगे। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं डीए, डियरनेस अलाउंसेस ये जो कि फुली टैक्सेबल रहता है। तो अब भी मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डीए की बात चल रही है और तब तक आप उसको अभी देखिए नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सैलरी, तब तक आप उसको फॉर्मिंग पार्ट नहीं मानेंगे जब तक आपको ये चीज़ नहीं दे रखी होगी। तो सिंपली इन सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर ये तीन चीज़ें दे रखी हैं तो आप कह सकते हो कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है, अगर तीन चीज़ों में से कुछ भी दे रखा होगा। अगर तीन चीज़ों में से कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो आप क्या कहोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन जो डीए है नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। अगर फॉर्मिंग पार्ट कब होगा, चलिए जी पहला डिस्कशन करते हैं। अगर तो दे रखा है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रखा है या कंसीडर द रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा है तो हम डीए को फॉर्मिंग पार्ट ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद डिस्कशन करते हैं डियरनेस पे, डीपी मींस डियरनेस पे जो कि फॉर्मिंग पार्ट होगा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ठीक है जी, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में किसको कंसीडर करेंगे, स्पाउस चिल्ड्रन और स्पाउसेस ऑफ चिल्ड्रन
अभी देखिए जी, पहली बात तो स्पाउसेस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और उसके स्पाउस चिल्ड्रन, अगर वाइफ है तो हस्बैंड हो गया, हस्बैंड है तो वाइफ हो गया, चिल्ड्रन और स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन, ये लाइन इसको छोड़ देना, पेरेंट्स सर्वेंट्स एंड ऑल अदर डिपेंडेंट्स जो भी होंगे वो मेंबर ऑफ क्या होगा, हाउस होल्ड होगा। यस, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, इसमें आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में इसको भी कंसीडर किया गया है। स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन का मतलब जो आपके बच्चों का, मतलब जब बच्चों के स्पाउस होंगे, जैसे अगर बेटा है तो उसकी वाइफ, अगर बेटी है तो उसका हस्बैंड, ठीक है जी, उसको भी आप मेंबर ऑफ हाउस होल्ड मान सकते हो। तो उसके बाद फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होगा, स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में कौन कौन हो सकता है, पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।